हेलो डियर फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक और चीज लेके आया हूँ नॉन वेजिटेरियंस के लिए ही, और ये है फिश। इसे मैं फ्राई नहीं करूँगा, ग्रिल करूँगा, और इसकी मुझे करनी है मैरिनेशन। और सर्दियों के दिन हैं तो सबसे अच्छे स्नैक्स में, जैसे मैंने टिक्का बनाया था, ऐसे ही आज मैं ये जो फिश है इसे ग्रिल कर रहा हूँ। इसे मैंने मैरिनेट करना है, तो सबसे पहले मैं ये डाल रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक जाएगा इस पे, और बाकी ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स का पीस है, ये मल्ली फिश है, यहाँ पे लुधियाना में मैं यूज कर रहा हूँ, पंजाब में बहुत कॉमन भी है ये। और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ ये चुटकी भर या आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, ये देगी मिर्च है। कलर इसका अच्छा आएगा, तीखी नहीं है लेकिन कलर इसको बहुत अच्छा देगी ये। और ये थोड़ी सी इसके ऊपर डाल रहा हूँ मैं हल्दी, टर्मरिक पाउडर ये ऐड किया है मैंने इसके ऊपर इसकी मैरिनेशन के लिए, ये भी आधा छोटा चम्मच। और ये थोड़ी सी डाल रहा हूँ, आधा छोटा चम्मच ही ब्लैक पेपर पाउडर, ये डाल दिया है मैंने इस पे। और इसके बाद जाएगा जीरा पाउडर, वो भी आधा छोटा चम्मच, और मैरिनेशन ही है जो इसे इसका टेस्ट बनाएगी बहुत अच्छा। ये छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर भी डाल दिया है इस पे, ये जीरा पाउडर आ गया। और अब ये मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर, आधा छोटा चम्मच है ये लहसुन का पेस्ट जो मैंने ग्रेट किया है, जैसे हम कद्दूकस कर लेते हैं या ग्रेट करते हैं। और ये मैंने डाल रहा हूँ इस पे जिंजर पेस्ट, ये भी आधा छोटा चम्मच है। और इसके बाद मैं इस पे डाल रहा हूँ ये कॉर्न फ्लोर, ये एक चम्मच है, छोटा चम्मच, 1 टीस्पून, ये इसको एक बहुत अच्छी लेयर देगा जब कोटिंग इसकी हो जाएगी। तो ये मैंने इस पे ये डाल दिया है, एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। और इसके ऊपर अब मैं डाल रहा हूँ जो नींबू का रस है, वो भी इसे मैरिनेशन में या प्रॉपरली तैयार होने में बहुत अच्छा हेल्प करता है, और जो स्मेल है फिश की वो चली जाती है। तो ये मैंने इसके ऊपर एक लेमन का जो है वो जूस, एक लेमन का रस मैंने डाल दिया है। सो इन सभी चीजों को अब मैं इस पे रब करके इसे अच्छे से पेस्ट कर दूंगा। और एक चीज और जो डाल सकते हैं वो हम इस पे चाट मसाला डाल सकते हैं, सो वो भी डालूंगा मैं इस पे। सो अभी मैं ये इन चीजों को इसके ऊपर रब करके पेस्ट कर दूंगा और इसे रखूंगा तकरीबन 1 घंटे के लिए, और बाद में मैं इसे ग्रिल करूंगा। जो स्पाइसेस और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसके ऊपर डाली थी उसे मैंने रब कर दिया है। अब मैं इस पे डाल रहा हूँ ये चाट मसाला, ये चाट मसाला भी डाल दिया है मैंने, और थोड़ी सी अजवाइन ये भी इसके ऊपर जाएगी, ये भी आधा छोटा चम्मच अजवाइन भी मैंने डाल दी है। और इसे अच्छे से रब करके मैंने दोनों तरफ से जो इसकी मैरिनेशन है वो कर दी है इसकी, लुक एट दिस। सो दोनों तरफ से मैं इस पे पेस्ट कर दिया है जो जो सामान भी मैंने इस पे डाला था। सो अब ये 1 घंटे तक ऐसे ही मैरिनेटेड रहेगा, और इसके बाद मैं इसे ग्रिल करूंगा अपने ग्रिलर पे। सो इट इज ऑलमोस्ट डन, सो इसके बाद थोड़ा सा टाइम और। ये हेवल का ग्रिल टोस्टर है जिसे उन्होंने नाम दिया है HavellsToastino 4 स्लाइस एंड बारबेक्यू विथ टाइमर। सो इसमें टाइमर भी है और टेम्परेचर की एडजस्टमेंट भी है। बहुत ही बड़ा साइज है इसका, जंबो साइज कह सकते हैं, जिसमें 4 स्लाइसेस जैसे उन्होंने कहा है लग जाते हैं इसमें। सो ये मैंने प्री हीट करने पे लगा दिया है मैंने प्री हीट के लिए, और इसी में मैं जो ग्रिल है उसे, जो फिश है मैं उसे ग्रिल करूंगा। फिश की मैरिनेशन में क्योंकि मैंने कोई ऑयल एड नहीं किया है, तो इसके जो दोनों सर्फेसिस है उसको मैं इस ब्रश के साथ कोट कर रहा हूँ ऑयल के साथ। इसके जो अपर लेयर इसका साइड है उसको भी कोट करूंगा, और ये साइड भी जो है ये मैंने ब्रश के साथ ऑयल लेके उसको कोट कर दिया है, ताकि जब मैं इस पे फिश को ग्रिल करूं तो वो इस पे चिपके नहीं। ये जो टोस्टर है, ग्रिलर है, ये प्रीहीट हो चुका है। सो ये मैं पहला फिश का पीस इस पे रख रहा हूँ, और ये जो बड़े वाला पीस है ये भी जाएगा इस पे।
सो ये मैंने फिश इसके ऊपर ग्रिल करने के लिए रख दी है। बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि फिश जो है वो पकने में ज्यादा टाइम लेती नहीं, और वैसे भी क्योंकि टेम्परेचर इसका काफी ज्यादा है इस ग्रिलर का, तो बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में ये जो फिश है ये ग्रिल हो जाएगी। सो इसको मैंने अब बंद कर देना है ऐसे। सो अब ये दोनों तरफ से पकना शुरू हो जाएगी, नीचे भी एलिमेंट है ऊपर भी एलिमेंट है, तो इट विल टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स टू गेट कुक्ड। फिश जो है वो अच्छे से ग्रिल हो जाए इसके लिए एक बार और इसको इस पे जो ऑयल की है वो कोटिंग करूंगा मैं, तो ये ब्रश के साथ इसके पीसेस के ऊपर, ताकि ड्राई ना हो सरफेस इसका और अच्छे से पक जाए, इसलिए मैंने एक बार और इसके ऊपर ऑयल कोटिंग कर दी है। और अब इसे फिर दोबारा मैं ग्रिल करूंगा, 5 से 7 मिनट ही लगे हैं और ये जो ग्रिल फिश है ये ग्रिल हो चुकी है। लुक एट दिस, कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी ये दिखाई दे रही है इसके ऊपर। सो अब ये सर्व करने के लिए तैयार है, अब मैं इसकी प्लेटिंग करके इसे सर्व कर दूंगा। बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छी स्मेल और बहुत अच्छा टेस्ट तो इसका होने ही वाला है। सो ये फिश जो है वो तैयार हो गई है, ग्रिल फिश। ये देखिए ये ग्रिल फिश हो गई तैयार, इसकी प्लेटिंग मैंने कर दी है। इसे मैं सर्व कर रहा हूँ अनियंस के साथ और ये मैं हल्का सा स्प्रिंकल कर रहा हूँ इसके ऊपर चाट मसाला। सो इतने कम टाइम में कोई स्नैक आपको तैयार मिल जाए तो इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती, और अगर सर्दियों के दिनों में ये फिश है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता।